प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, आज मेरा चौथा व्लॉग है। आज मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी जगह, अच्छी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीजों। तो मैं व्लॉग बनाने लगा था, एक छोटा सा क्लिप, मतलब अपनी लाइब्रेरी, बदीन शहर की लाइब्रेरी में। तो आप तो मेरे ये कपड़े चेंज नज़र आएंगे। हाँ बिल्कुल नज़र आएंगे चेंज, क्योंकि उस दिन इंचार्ज साहब नहीं थे तो मैंने परमिशन नहीं लिया। तो आज इंचार्ज साहब बैठे हुए थे, मैंने उनसे परमिशन भी लिया। उसके बाद मैं आया था, मास्क का लो नहीं था, मास्क लेने गया था, मास्क भी लेके आया हूँ। अभी हम बनाते हैं एक छोटा सा बेहतरीन क्लिप अपनी लाइब्रेरी से। तो चलो, बहुत अजीम तरीन लाइब्रेरी, लार्ड म्यूज़ियम, मौली हाजी अहमद मल्ला लाइब्रेरी, ठीक है। तो हम आपको दिखाएंगे हमारी लाइब्रेरी। तो हाँ, ये हमने गेट क्रॉस किया और ये पार्क के जिमखाना का हमारे लाइब्रेरी के सामने। इधर आप बैठ के फ्रेश भी हो सकते हो, ठंडी ठंडी हवा भी ले सकते हो। बेहतरीन बना हुआ ये पार्क। और लाइब्रेरी के पीछे, थोड़ा पीछे उस तरफ ऑडिटोरियम हॉल भी है, रेस्टोरेंट भी है, अच्छा बना हुआ है, और जिम भी है, बॉडी शॉडी बना सकते हो। और इसके अलावा स्पोर्ट प्ले भी है, आप खेल कूद भी सकते हो, टेनिस वगैरह। तो हाँ दोस्तों, तो इधर हमारे बदीन शहर में बहुत से भाइयों को पता नहीं है कि इधर लाइब्रेरी मौजूद है। उधर बेहतरीन कंफर्टेबल जोन है, आप पढ़ सकते हैं, बेशक किसी भी टेस्ट की, कमीशन की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ रिसेंटली साईं मंजूर अहमद चांडियो की बरसी के मौके पर उनके फर्जंद, उनके बेटे नईम चांडियो साहब ने एक इधर सेमिनार भी किया उसके वर्सी पे। और इधर एक नईम चांडियो साहब ने इधर एक बेहतरीन लाइब्रेरी में पार्ट एक बनाया, जिसमें बुक्स की कलेक्शन है। साईं मंजूर अहमद चांडियो साहब की वर्सी में एक कलेक्शन बनाया, बुक्स की लाइब्रेरी में मौजूद है, हर बुक इधर मौजूद है। तो बेस्ट से बेस्ट बुक मौजूद है। मुझे नहीं पता कि पहले बुक्स थी, लेकिन इतनी ख़ास नहीं थी। तो अभी मैंने चेक किए हैं, बेहतरीन हर बुक। हमारे दोस्त हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बुक्स महंगी हैं, 1000-1500, तो खरीदी बाकी गरीब से तो नहीं जाती। तो इधर बेफिक्र हो के अब आए, इधर पढ़ें, हर बुक है। इसके अलावा हिस्ट्री भी है, अदब, CSS के बुक्स पढ़ें इधर, फॉरनर बिल्कुल है CSS, और हर बुक आपको इधर मिलेगा। हिस्ट्री की बुक्स मिलेंगी आपको, अदब, मतलब बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स इधर पढ़ी हैं, आप बेफिक्र होके इधर पढ़ सकते हैं। तो बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो मैंने सोचा तो आपके सामने ये बात कहूँ ताकि आपको पता भी चले। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको हम लाइब्रेरी दिखाते हैं।
इधर हमारे स्टूडेंट काफ़ी बदिन के बैठ के पढ़ते हैं, हमें बेशक फ़ख्र है क्योंकि आज ये 5-6 जने बैठे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस क्लिप के बाद इधर काफ़ी दोस्त भाई इधर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस क्लिप के बाद मैं उम्मीद यही करता हूँ। और हमारा एक भाई इधर बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, तो उनसे हम पूछते हैं इस लाइब्रेरी के बारे में, वो क्या कहते हैं। चलो जी, तो अज अस मुझे नालो किशोर कुमार है। असी जो सो पढ़ाई के लिए अगत बढ़ने लाइ को भी घर सहूलत न होने के असी डिस्ट्रिक्ट बदीन में जी मौली हाजी अमन मल्ला की यादगिरी में असो मीन्स लाइब्रेरी दिनी हुई, पर वह लाइब्रेरी असि माना सुखी माना पढ़ाई के लिए माना सहूलत है। जी अस घर वेठे जी गरीब शागिर्द या उन्होंने का घर जो घर कमकार थे पढ़ाई करने अगत अचन तो डिस्ट्रिक्ट बदीन में असि लाइब्रेरी है उनमें पैंकी पढ़ाई जारी रखन। जी तो पानी पढ़ाई के लिए घर का जो सो लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रो आया। उनखा अलावा मौली हाजी अहमद की मेहरबानी से असो हर सहूलत लाइब्रेरी में दिनी है पंखा या कृष्ण भाई मेहरबानी कमेंट जो इन बारे में लाइब्रेरी मेहरबानी तुम्हारी वरी वरी मेहरबानी। जो इधर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी LLB से हैं, मैं भी LLB से हूँ, तो उनसे पूछते हैं कि भाई इस लाइब्रेरी के बारे में अपने थोड़े कमेंट राय दें, तो उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस लाइब्रेरी के बारे में। तो भाई से पूछते हैं आपका नाम। मेरा नाम सुदाम सिंह है, मैं LLB फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर लाइब्रेरी में रेगुलर स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक एनवायरमेंट है पढ़ने के लिए। यहाँ पर फर्नीचर भी अच्छा है और एनवायरमेंट यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है पढ़ने के लिए। CSS माशाल्लाह यहाँ पर CSS कॉर्नर है और CSS फॉर्म के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं और पढ़ सकते। जो भी लड़के हैं वो अपने बुक्स यहाँ पर स्टूडेंट है वो अपने यहाँ पर बुक्स लेके आए यहाँ पर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। वो अपना फुल टाइम यहाँ पर देंगे तो इंशाल्लाह एजुकेटेड होंगे। और मैं सजेस्ट करूँगा वो अपने छोटे भाई या फ्रेंड्स है उससे भी यहाँ पर लेके आए, वो उससे अपना एडवांटेज हासिल करें। चलो ठीक है सर, मेहरबानी आपकी, शुक्रिया आपकी जो कमेंट आपने दी है मेहरबानी। तो नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ लॉर्ड म्यूज़ियम मौली हाजी अहमद मल्ला लाइब्रेरी में। तो सर हमारे साथ बैठे हुए हैं इंचार्ज लाइब्रेरी के ज़ुबैर अहमद साहब जाफरानी साहब, तो उनसे पूछते हैं इस म्यूज़ियम के बारे में और लाइब्रेरी के बारे में, तो सर क्या कहते हैं। जी आपकी बहुत मेहरबानी। ये लॉर्ड म्यूज़ियम बदीन, बदीन और लॉर्ड जो डिवीज़न है उसके अंदर मशहूर और मारूफ ये म्यूज़ियम, जिसका बुनियाद 1980s के अंदर यहाँ के नामवर राइटर मामून शुमार शेख ने डाला। और यहाँ म्यूज़ियम के अंदर हमारे यहाँ स्टोन एज से लेके अरब दौर तक की नवादरात यहाँ पे रखी हुई है। और हमारे म्यूज़ियम के अंदर कोई भी जो है वो टिकट वगैरह नहीं है, बिल्कुल ये फ्री है। यहाँ पे लोग आके हमारे नवादरात जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम जो होते हैं वो हमारे माजी की जो हमारे शानदार माजी गुजरा है उसकी जो है वो निशानदेही करता है। इन नवादरात से हमें ये पता चलता है कि हमारी तहजीब कितनी शाहकार थी और हम आज से हज़ारों साल पहले हम क्या थे। तो ये सारे नवादरात यहाँ पे कालपुर दौर पे और कलोड़ा दौर, अरब दौर, स्टोन एज, ये सारे नवादरात यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये उसके साथ साथ हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी है मौली हाजी अहमद मल्ला लाइब्रेरी। ये बदीन वासियों के लिए एक बहुत बड़ी नामत है कि यहाँ पे जो ये लाइब्रेरी है यहाँ पे हमारे पास 5,000 से ज़ायद बुक्स मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र की रखी हुई है। यहाँ पे हमने एक CSS कॉर्नर कायम किया हुआ है और यहाँ पे CSS की जितनी भी बुक्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। हमारी लाइब्रेरी जो है वो मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है और उसकी टाइमिंग जो है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उसकी टाइमिंग है। तो मैं इस YouTube चैनल के ज़रिए तमाम जो है रीडर्स को, रिसर्चर्स को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी आइए, इस लाइब्रेरी का जो है लाइब्रेरी से फ़ायदा उठाइए, अपने बच्चों को भी भेजें ताकि वो भी यहाँ पे आए और ये लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीज़ हो। अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ बदीन के अंदर एक और साईं सुमार शेख पैदा हो, यहाँ से कोई एक और जो है शमशेरुल हैदरी जैसा बंदा पैदा हो,
तो उसके लिए हमें जो है वो लाइब्रेरी ज्वाइन करनी होगी और लाइब्रेरी से ही ऐसी शख्सियत जन्म लेंगे। आपका बहुत मेहरबानी। चलो सर, शुक्रिया, आपने बहुत इस लाइब्रेरी के बारे में तफसील से आपने हमें आगाह किया, तो सर मेहरबानी, थैंक यू। तो यही हुआ एक छोटा सा बहुत ही अच्छा क्लिप इस लाइब्रेरी और म्यूज़ियम के बारे में। तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बदिंग के दोस्त ज़रूर ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।